Thank you very much, sir. Thank you very much. Shri Ashok Rao, Shankar Rao Chauhan. It is his maiden speech. आदरणीय सभापति जी. One second, Ashok ji. Twice Chief Minister of Maharashtra. Twice Member of Lok Sabha. Four times MLA. Also MLC. Maiden address. जी जी कांग्रेस से. आदरणीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं. आपने संक्षिप्त में मेरे बायोडाटा का भी जिक्र किया और मुझे गर्व है मैं कांग्रेस से ही चुनकर आया था, इसमें कोई संदेह नहीं है. अध्यक्ष महोदय, आज मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो दोनों संसदों के सदस्यों को जो संबोधित किया था उसके आभार प्रस्ताव पर वहाँ पर समर्थन में यहाँ पर मेरे चंद विचार रखने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ. अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ने से पहले जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर इस सभागृह में चर्चा हुई है उस पर मैं कुछ रोशनी डालने की मेरी मनोकामना है और मैं यहाँ पर कुछ बोलना चाहूँगा. आपने एक बहुत ज़रूरी बात इस सभागृह में परसों कही कि हर चीज़ जो इस सभागृह में इस हाउस में कही जाती है उसका ऑथेंटिकेशन के बारे में कुछ आपने जिक्र किया कि जो भी बातें होती हैं वो जिम्मेदारी के साथ कि पूरे विश्व में पूरे देश में इसको देखा जाता है और आम आदमी जो इस सभागृह में बातें होती है उसको बड़ी संजीदगी से सोचता है कि यहाँ जो भी बोला जाता है उसमें ऑथेंटिसिटी है, सच्चाई है और हम सबकी जिम्मेदारी, भले हमें प्रोटेक्शन मिलता है इस हाउस में पर जो भी हम कहें इसको कहीं पर सच्चाई का, ऑथेंटिकेशन का, उसका बैकिंग होना चाहिए. ये बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही है. सभापति महोदय, आप जानते हैं कि आजकल नैरेटिव का जमाना है, चाहे वो नैरेटिव सच हो या झूठ हो, काम का और विकास का और कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर्स का कुछ संबंध रहा है या नहीं रहा है ये हर मेंबर यहाँ देखता है कि उनका क्या अनुभव रहा है. पर बात तो ये है कि एक बार एक नैरेटिव सेट हो जाए, वो चाहे वो सच हो या गलत हो, उस नैरेटिव के हिसाब से ही बातें आगे चलती है, उसमें फिर कहीं सक्सेस मिलता है, कभी आदमी हार जाता है. मैं ये बयान करना चाहूँगा कि संविधान के बारे में जो बातें इस चुनाव में हुई है वो सरासर एक गलत नैरेटिव इस देश में सेट किया गया. भाजपा इस संविधान को बदलना चाहती है और उसके जरिए देश में कहीं चीज, इसलिए बहुमत की तरफ मांग हो रही है, इस बात को पूरे देश में एक नैरेटिव सेट हो गया था. सभापति महोदय, एक तो कई मेंबर्स ने बातों को यहाँ पर बताया कि सच्चाई इसमें बिल्कुल नहीं थी, पॉलिटिकल चीज़ें भाषण तो ज़रूर हुए हैं, पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 1973 के केशवनंद भारती केस में एक लैंडमार्क जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पे कुछ चीज़ें कही थी, ये केशवनंद भारती केस में 13 जजेस के मेजॉरिटी से 13 जजेस की जजमेंट है जिसमें बहुमत से ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच होल्ड दैट सर्टन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट. द सिग्निफिकेंस ऑफ द केशवनंद भारती केस लाइज इन द फैक्ट दैट इट एस्टैब्लिश्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होल्ड्स दैट सर्टन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल ऑफ लॉ एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी कैन नॉट बी अमेंडेड और एब्रोगेटेड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सभापति महोदय, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है. इस बात को नैरेटिव सेट होता है तब उसकी भी कुछ मालूमात, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने भी इलेक्शन के दौरान इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई, सच्चाई सफाई वह देने की कोशिश की, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, पर एक नैरेटिव बन गया था जिसके तहत देश में अलग अलग मत प्रवाह बन गए थे. तो सभापति महोदय, हमें लगता है कि कुछ चीज़ें कानून के दायरे में जो आई है सुप्रीम कोर्ट में जिसका जिक्र हुआ है वो सच्चाई भी लोगों के सामने आना ज़रूरी है. सभापति महोदय, दूसरी बातें कल इस हाउस में हुई, जैसे हमारे संसद के परिसर में स्थित कई महापुरुषों की मूर्तियां हटाने की बातों पर यहां पर काफ़ी बवाल उठा है. अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आप सब जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो, माँ जिजाऊ हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, महात्मा ज्योतिबा फुले जी हो, अहिल्या देवी होलकर हो, और संत महंतों के बारे में हमारे देश में सर्वोच्च विचार है, आदर से इनके नाम लिए जाते हैं और इनके विचारों पे, तत्वों पे चलने वाला हमारा देश है अक्रॉस पार्टी लाइंस. इसमें कोई दो राह नहीं है कि इधर कुछ और सोचते हैं उधर कुछ और सोचते, बात ही नहीं है.
और अध्यक्ष महोदय सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इस हाउस में संसदीय कार्य मंत्री ने बयान दिया है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये मूर्तियाँ हटाई नहीं जाएंगी, बल्कि वहाँ एक सुंदर स्थल अलग बनाकर उसको ऐसे जगह पर हम लोग लगाएंगे ताकि हर व्यक्ति इन महापुरुषों के सामने नमन करके ही हाउस में जा सके, ऐसे स्थल पर वहाँ पर चल रहा है। देखिए सर ऐसा है, आप मुझे सर मुझे प्रोटेक्शन दीजिए कि मैं अपने विचार यहाँ रख सकूँ। मेरा ये सभापति महोदय, सभापति महोदय मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूँ। जब इस हाउस में संसदीय कार्य मंत्री एक बयान देता है वो उसका हक से उसका रिकॉर्ड पे चले जाता है। आप खुद भी आपने खुद में जाकर इस चीज को देखा है। तो सवाल ऐसा है कि हाउस में दिया हुआ जो यहाँ पर हाउस पर यहाँ जो स्टेटमेंट किया गया है उसका कोई महत्व है, रिकॉर्ड पर है, और जो बातें हाउस में की जाती है उसको बाहर जाके अलग से सरकार नहीं कर सकती है। इट इज कमिटमेंट ऑफ द हाउस, ये प्रिविलेज मोशन हो सकता है। तो अध्यक्ष महोदय ये बातें यहाँ पर हाउस में करके लोगों को गुमराह करने की बात जब होती है तो सभापति महोदय बड़ा दुख होता है कि इसमें पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का मामला है, इसमें आपने हाउस में जरूर इस बात को दोहराना चाहिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगा। सभापति महोदय नीट के बारे में यहाँ हाउस में चर्चा काफ़ी हुई, मुझे बताइए हाउस के सदनों के दोनों हिस्से में इसके बारे में किसी का दो मत नहीं है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ये सिस्टम पारदर्शक होनी चाहिए, और चाहे वो नीट की परीक्षाएं हो या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसके परीक्षाओं के बारे में सिस्टम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं देवेगौड़ा साहब का यहाँ जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा जिसके उन्होंने समर्थन में कहा कि जब तक CBI इंक्वायरी की पूरी मालूमात आती नहीं है तब तक इसमें कोई अलग से भूमिका लेना ज़रूरी नहीं, और दैट इन्वेस्टिगेशन इन द प्रोग्रेस में है। पर मुझे ये समझ नहीं आता है कि इसके बारे में जैसे सरकार समर्थन कर रही है कोई बात का, ऐसा जो चित्र निर्माण किया जा रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें पूरी तहकीकात होनी चाहिए और जो कल्प्रेट से उस पर एक्शन होना ही चाहिए, इसमें किसी का अध्यक्ष सभापति महोदय अलग भूमिका नहीं है। पर सभापति महोदय ये भी सच है कि ऐसे इंसिडेंट्स जो देश के कई राज्यों में हो रहे हैं उसके वजह से पालक छात्रों के पेरेंट्स जो है छात्र है उनके बौद्धिक दिमाग पर बहुत तनाव पड़ता है। यदि आप नीट या GE के पास नहीं करते हैं तो जीवन व्यर्थ है, ऐसी तरीके की एक भावना स्टूडेंट्स से निर्माण हुई है, बड़ा मानसिक संतुलन खोने की बातें होती है। तो अध्यक्ष सभापति महोदय बात यह है इस पे बहुत गहराई से चर्चा भी सदन में होने की आवश्यकता है और इसके ऊपर सरकार ऐसा ठोस कदम उठाए, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के संकल्प जो पत्र है इसमें भी इसका जिक्र किया गया है कि सरकारी भर्ती तथा शिक्षा संस्था की परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितता के बारे में रोकने के बारे में सख्त कानून बनाने के बारे में मैनिफेस्टो में BJP ने इसका जिक्र किया है। तो इसके बारे में किसी की दो राय नहीं है कि निश्चित तौर पर ये ज़रूरी है और अहम सवाल आज लोगों के सामने है। सभापति महोदय राष्ट्रपति जी ने केवल अपने जो उन्होंने स्टेटमेंट किया है, जो उन्होंने भाषण किया है, इसमें केंद्र के पिछले 10 सालों का लेखा जोखा संसद के सामने रखा है और आने वाले समय का रोड मैप भी उन्होंने उसका जिक्र किया है कि किस तरीके से जो संकल्प किया है उसको अचीव करने के बारे में क्या दिमाग में उनके बातें और सरकार क्या करने जा रही है उसका भी रोड मैप एक तरीके से उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। सभापति महोदय आज देश में सबसे बड़ा चुनाव, देश में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इस दुनिया में है तो भारतवर्ष में है, और भारतवर्ष की डेमोक्रेसी के इस चुनाव को बड़े नज़दीक से करीब से लोग देख रहे हैं किस तरीके से इसका जो चैलेंजिंग टास्क था, जो हमारे सामने पूरी दुनिया के सामने उत्सुकता थी कि ये देश का चुनाव किस तरीके से संपन्न होगा, और इस चुनाव में 64,20,00,000 लोगों ने सहभाग लिया है। लोकतंत्र के सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग 64 करोड़ लोगों ने यहाँ पर किया गया है। देश भर में तकरीबन 66% लोगों ने वोटिंग की है। मैं समझता हूँ 66% भी हो तो वोटिंग ज़्यादा होने की आवश्यकता थी, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल सात लगातार जो उन्होंने 7 शेड्यूल अलग अलग अनाउंस किए थे उसमें सभापति महोदय वीकेंड्स बड़े पैमाने पे थे, तो वीकेंड्स पे लोग छुट्टियां मनाने चले गए, कोई काम के लिए निकल गया, तो ये इसमें ज़रूर कोशिश होनी चाहिए
कि चुनाव जब होता है तो वर्किंग डेज का ध्यान में रखते हुए कुछ होता है तो शायद उसका परसेंटेज पर असर हो सकता है। जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन के बारे में जिक्र हुआ, जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग हुआ है। 5 लोकसभा सीटों के लिए 58% वोटिंग हुई है और पिछले 35 साल में सबसे बड़ा यह आंकड़ा है कि वोटिंग वहां पर लगभग 58% हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 44% वहां पर वोटिंग परसेंटेज हुआ था। तो मैं समझता हूं कि ये जो 14% का अधिक वृद्धि हुई है और लोगों का कश्मीर के विकास में मोदी सरकार ने द्वारा जो विभिन्न फैसले लिए हैं उसका ये प्रमाण बताता है कि लोग उस पर खुलकर इसमें आज वोटिंग के लिए निकल पड़े। रिजल्ट कुछ भी आए हो पर निश्चित तौर पर वोटिंग के लिए लोग वहाँ पर बाहर निकले हैं। तो सभापति महोदय, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हुई, रोड, रेलवेज, एयर कनेक्टिविटी, सब के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर अच्छी बातें लोगों ने की है और मैं समझता हूँ ये प्रशंसनीय है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा शेप ले रहा है और उसमें रोड की अचीवमेंट हो, रेलवेज की जो कनेक्टिविटी हो, बुलेट ट्रेन की बातें हो रही है। हमारी अपेक्षा यही है कि राज्य के पिछड़े हुए हिस्सों में हमको ये कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकता है। बुलेट ट्रेन्स की आवश्यकता निश्चित तौर पर है और इसमें एयर कनेक्टिविटी जो उड़ान के स्कीम के तहत जो हर देश के हर ज़िलों में मिल रही है आजकल, वो ऐसे ज़िलों में भी मिले ताकि उनको राज्य के कैपिटल से जोड़ा जाए। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो कई ज़िले मुंबई से अभी जुड़ने रहे कि मुंबई में उनको स्लॉट नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है और जगह नहीं मिलने के कारण मुंबई जैसे शहर से कनेक्टिविटी राज्यों की मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि सरकार इस पर ध्यान दे। ड्रोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने में देश में करने की मंशा प्राइम मिनिस्टर ने रखी है। मैं समझता हूँ नमो ड्रोन दीदी योजना जो बनाई गई है उसके द्वारा बड़े पैमाने पर खास करके महिलाओं को निश्चित तौर पर रोजगार देने की बातें सभापति महोदय इसमें की गई है। और किसानों के बारे में भी जो हम लोगों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने अनाउंस की है वो निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम है। आज सपोर्ट प्राइस के बारे में लोगों में किसानों सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ग्लोबल वार्मिंग का आ रहा है वो किसान उससे बड़ा परेशान है। किसानों के उपज के दाम कम ज़्यादा होते रहते हैं, उसलिए MSP जो है वो मैं समझता हूँ 10 सालों में MSP 65% से 185% तक बढ़ोतरी MSP की हुई है। ये खास तौर पर रिकॉर्ड में मैं रखना चाहूँगा जिसके वजह से किसानों को अन्य शिकायतें हैं, किसानों की आत्महत्या अभी भी है उसमें कोई संकेत नहीं है, पर MSP का ये बहुत बड़ा काम इसमें हुआ है जिसके वजह से मैं समझता हूँ ये कामों में ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत भी जो मकान मिलने वाले हैं जिसमें आम आदमी को, गरीब आदमी को इस ऊर्जा को कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, मुफ्त में मकान की बिजली का भी सुविधा सोलर हाउसिंग के जरिए अध्यक्ष मोदी हुई है। तो मैं समझता हूँ अध्यक्ष मोदी चंद चीज़ों के वक्त की कमी के कारण मैं ज़्यादा यहाँ पर कहना नहीं चाहूँगा। मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी जो भी चीज़ें यहाँ पर कही गई है उसमें उतना ही मुझे कहना है कि कल हमारे कुछ सदस्य यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, हमारे आम आदमी पार्टी के एक सदस्य ने यहाँ पर जिक्र किया कि यहाँ हार हुई है, वहाँ हार हुई है, वहाँ हार हुई है। हमारे एक सदस्य ने कहा कि नांदेड़ में भी हार हुई है, उसमें जिक्र किया, खास करके रुचि हमारे नांदेड़ में रखने वाले काफ़ी लोग हैं मुझे पता है। तो ये जिक्र करते करते अध्यक्ष मोदी इसका जिक्र इसलिए मैं इतना भी कहना चाहूँगा, जब महाराष्ट्र में सीटें कहीं नहीं आई थी उस वक्त नांदेड़ की भी सीट आई थी और हिंगोली की भी सीट आई थी, कांग्रेस की आई थी, और वो सीट लाने में मेरा छोटा सा हिस्सा ज़रूर होगा। ये विनम्रता से मैं कहना चाहूँगा कि ये भी हमने जहाँ भी था ईमानदारी से काम किया है और सीटें लाई है। और ऐसे भी कुछ सदस्य है जिनके ज़िलों में अभी वहाँ पर पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर नहीं आ सके हैं, ये स्थिति हर कोई जिलों में दिखाई देती है। मुझे कोई व्यक्तिगत तौर पे कहना नहीं है पर जब जिक्र हुआ इसलिए मैं सफाई यहाँ पर कहना चाहूँगा। तो मैं सभापति महंत में इतना ही कहना चाहूँगा, जीत पे कभी अहंकार नहीं किया, किसी हार पर कभी रोया नहीं, लेकिन हर हार के बाद मैं चैन से कभी बैठा नहीं, अध्यक्ष मोदी, ये मैं कहना चाहूँगा। तो मैं आपसे आभारी हूँ, वक्त थोड़ा सा कम था पर आपने इजाज़त दी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।